हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से बड़े में। तो आज की दोस्तों वीडियो है, मैं आज हम बनाने वाले हैं, आपको दिखाने वाला हूं दुनिया का सबसे देसी और सस्ती हमारा इचिंग सेटअप। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इचिंग सेटअप बनाया हूं। ठीक है, एक कूलर का मोटर में सेट किया हूं, इस तरह से ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर पाइप में होल है, यहाँ से रिलीज होगा, फिर जाके जो एक्सेस है एक्स्ट्रा उधर से निकल जाएगा, और ये से यहाँ पे आपका कंट्रोल करेंगे तो उसका प्रेशर कंप्लीट होगा। लेकिन ये जो सिस्टम मैंने बनाया हूँ ये थोड़ी सी इसमें डिफेक्ट है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो होल है वो उस कम्प्लीटली इसमें ड्रॉप नहीं हो रहे, तो इसके लिए मैं इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ। आज की वीडियो में मॉडिफाई करके दिखाऊँगा। फ्रेम वही है, देखिए दोस्तों लकड़ी का फ्रेम है जो कि सस्ता जुगाड़ है। ठीक है, लकड़ी का फ्रेम ऐसे एल शेप में मैंने ये स्टैंड बनाया हूँ। एक कूलर का मोटर है, ठीक है, कुछ केबल का वायर है, और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक अल्मीनियम का, ठीक है, मैं पाइप यूज कर रहा हूँ जो कि पुरानी किसी ज़माने में हमारे घर में ये एंटीना जो आते थे टीवी के लिए, वो एंटीना का एक पीस है जिसे मैंने यहाँ पे होल कर दिया हूँ, नज़दीक नज़दीक होल कर दिया हूँ, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहेगा तो इसमें आपका एक एक होल में आउटपुट निकलेगा, एक एक होल में आउटपुट आपका पानी का प्रेशर नहीं निकलेगा, तो इसी वजह से मैं एक अल्मीनियम का यूज कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों पीसीबी इचिंग में जो इचर पाउडर, इचिंग पाउडर जो यूज होते हैं वो आपका कॉपर और ख़ास करके स्टील को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एल्युमिनियम के साथ क्या इसका रिएक्शन है, और एल्युमिनियम के साथ तो ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं है मेरे को जैसे लग रहा है, लेकिन फिर भी आज ट्रायल करने वाला है। और प्लास्टिक का भी यूज कर सकता था, लेकिन प्लास्टिक का जो इसी साइज में, इसी की जो 12 से 15 mm का जो है उसी हिसाब से आपका डाया का नहीं मिला, तो मैं एल्युमिनियम का ही यूज करने वाला हूँ। तो स्टील का भी यूज नहीं करूँगा क्योंकि स्टील का भी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि स्टील का वो बहुत जल्दी खा लेता है इचिंग पाउडर। तो देखिए दोस्तों इसमें कनेक्शन होगा, इसमें दो सेट बनाए हूँ, आप चाहें तो 3-4 जैसे बना सकते हैं, तो ये भी परफेक्टली आ जाएगा इसमें, तो इसी हिसाब से मैंने बनाया हूँ। तो दो स्टेप रहेगा, तो फटाफट चलिए दोस्तों कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं जो सेटअप है, और उसके बाद वायर को कट करके हम इसमें एस सिस्टम करेंगे। ठीक है, ऐसे एस सिस्टम नीचे से जाएगा, फिर घूम के फिर ऊपर जाएगा, फिर डाउन होगा, तो इस तरह कुछ सिस्टम करने वाला है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं, सबसे पहले तो इसको खोल लेता हूं मैं। सो गाइस, हमारा ये सेटअप रेडी हो चुका है। मोटर से इस तरह से आउटपुट होगा, इधर से आके फिर इधर से घूम के इधर से आउटपुट हो जाएगा। तो ये मेरा दो सेट है, आप इसमें 3-4 भी जोड़ सकते हैं। आप इसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक आपका जो टेप है, छोटी टेप लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें प्रेशर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सिस्टम हम करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे 4 लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पे काट दिया हूँ। अब इसको क्या करना है, पाइप को लगाने के लिए इस टाइप से दोनों तरफ से ऐसे सिस्टम करेंगे, और ठीक है, और इसमें ऐसा सिस्टम करेंगे जैसे कि इसमें लॉकिंग का सिस्टम हो। यहाँ पे 10 से 12 mm का होल करेंगे, ठीक है, चारों लकड़ी में, जैसे कि हम इसमें इसको टाइट कर सके। ठीक है, हमको जिस डायरेक्शन में हमको रखना है, पानी का प्रेशर जैसे फ्लो हो उसी डायरेक्शन में रख के हम इसको कस कर स्क्रू टाइट कर देंगे, तो ये टाइट होकर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम हम करने वाले हैं, तो इसको करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या सेटिंग है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप का कुछ सेटिंग मैंने किया हूँ। ठीक है, लकड़ी का, सब लकड़ी का लगा दिया हूँ, यहाँ पे इस तरह से सेटअप है, और एक का होल नीचे की तरफ है और दूसरा का होल उसके नीचे की तरफ है। ठीक है, मतलब स्प्रे में कोई भी कमी नहीं होगी, अगर भी कमी होगा तो फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए इसको इस सेटअप करते हैं और उसको चालू करते देखते हैं किस तरह से इचिंग सिस्टम हो रहा है। हम्म